Hey everyone, so finally back with one more video after a long time. This time I'm making a Kumiko style design, basically a famous style of Japanese art. आपको पता नहीं है कि Kumiko style design क्या है, तो आप सीधे जाइए Google पे, वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे इसके लिए. तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि ये क्या होता है Kumiko style design. तो इतना लार्ज स्केल पे अगर मैं ट्रेडिशनल वे में बनाने जाऊँगा तो ऑब्वियसली इट विल कॉस्ट मी मोर, और मुझे ये डिज़ाइन बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रखना था, बहुत कम प्राइस में बनाना था. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको पॉप्सिकल से बनाता हूँ, जिसको हम लोग आइसक्रीम स्टिक्स बोलते हैं. लेट्स गो अहेड एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग. तो ये स्टिक्स का पैकेट है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ. इसमें एक पैकेट के अंदर 50 स्टिक्स है, और ऐसे मैंने 20 पैकेट्स खरीदे हुए हैं. सो इन टोटल आई हैव 1000 स्टिक्स. वैसे आपको मार्केट में बहुत डिफरेंट साइज़ की और क्वालिटी की स्टिक्स मिल जाएंगी, बट आई हैव सेलेक्टेड दिस बिकॉज इट हैज़ अ सुपीरियर क्वालिटी. दीज आर द स्टिक्स आउट ऑफ दैट पॉकेट. 140 mm बाय 10 mm बाय 2 mm थिक. तो ये डिज़ाइन मैंने कम्प्लीटली स्टिक्स की मेजरमेंट्स को ध्यान में रखे हुए बनाया हुआ है, सो दैट कि मुझे कहीं भी दो स्टिक्स को ज्वाइन ना करना पड़े, बस एक पूरी स्टिक्स में मेरा काम बन जाए. दिस इज़ माई फाइनल डिज़ाइन. एज यू कैन सी इन टोटल ये 5 feet by 5 feet का है, और इसमें मैंने ये डिज़ाइन सेट किए हुए है. इन टोटल इसमें 3 टाइप्स ऑफ Kumiko पैटर्न्स है, 1, 2 और ये 3. और ये जो सेंटर में आप ब्लैंक स्पॉट देख रहे हैं, इसे मैंने इंटेंशनली ब्लैंक रखा है बिकॉज जिस पर्पज़ के लिए मैं ये चीज़ बना रहा हूँ वहाँ पे ये पार्ट विजिबल नहीं होने वाला. और यहाँ मैंने रफली डिज़ाइंस बना के कौन से पैटर्न के कितने डिज़ाइंस है ये लिख रखा है. गोइंग अहेड कहाँ पे कौन सा डिज़ाइन है ये जानने के लिए मैंने डिफरेंट डिज़ाइंस को डिफरेंट कलर में पेंट कर रखा है. जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसी स्टिक्स मैंने खरीदी हुई है, और एज़ पर माई रिक्वायरमेंट मैंने इसके दोनों तरफ के एंड्स को 5-5 mm कट कर दिया है. सो एट द एंड आई एम लेफ्ट विथ 130 mm स्टिक्स. सो एज़ पर द फाइनल डायमेंशन ऑफ माई स्टिक्स, ऑल द हेक्सागन्स हियर दे हैव साइड्स ऑफ 130 mm एंड रेडियस ऑफ 130 mm एज वेल. दिस इज़ द क्लैंप एंड द ओनली वन आई हैव. इसका इस्तेमाल हम स्टिक्स को कट करने के लिए करेंगे. सो एज़ यू कैन सी मैं स्टिक्स को बंच में कट करने वाला हूँ. दिस इज़ ओनली टू अवॉइड मिस्टेक्स, और ऐसे करने से मेरा काम बहुत आसान होने वाला है. पूरे वीडियो में मैंने इसी तरह स्टिक्स को कट किया हुआ है. स्टिक्स क्लैंप पर सेट करने के बाद और एक तरफ लेवल करने के बाद मैंने रेगुलर स्केल के सहारे इस पे मेरे मेजरमेंट्स मार्क कर लिए हैं. तो यहाँ मैंने सारे टॉप सेक्शन की स्टिक्स कट कर लिए हैं, एंड एज यू कैन सी मैंने इनको दो पैकेट में सेव कर रखा है, बिकॉज वन इज़ 130 mm एंड द अदर वन इज़ 4 mm शॉर्ट. ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि जब मैं इनको जोड़ के हेक्सागन बनाऊँ तब कॉर्नर्स पे ये ओवरलैप ना करें. सो लेट्स कीप देम बोथ असाइड. नाउ गोइंग अहेड एंड मेकिंग द हेक्सागन्स. ये सैंड पेपर है 150 ग्रिड्स का, एंड वी नीड दिस टू सैंड एंड स्मूथ साइड्स ऑफ आवर स्टिक्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज गैप्स बिटवीन टू स्टिक्स. ऐसा करने से स्टिक्स एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करेंगी. आई होप यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड. ऐसे ही सभी स्टिक्स को मैं एक साइड से चेम्फर करने वाला हूँ. फॉर पेस्टिंग आई एम यूजिंग दिस फेविकॉल एसएच.
And finally, apna first lot of hexagon is ready. अभी मैं इन हेक्सागन्स को साइड बाय साइड कनेक्ट करूंगा अपने टॉप सेक्शन के लिए. एंड हियर इट्स डन. एज यू कैन सी मैंने इंटरनल डिज़ाइन बनाना भी चालू कर दिया है. तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये सेकंड मोस्ट इजीएस्ट क्यूमिको पैटर्न है आउट ऑफ आर लिस्ट. वी जस्ट नीड टू कट 3 स्टिक्स एज पर द साइज. थोड़ा इनको सैंड करेंगे जैसे पहले बताया था. देन अप्लाई ग्लू एंड प्लेस. इस डिज़ाइन में आपको सिर्फ जो डायरेक्शन है उस पर ध्यान रखना है. Hey everyone, so this is a little update about my plan. First thing first, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे प्रोसीड करने वाला हूँ. तो ये जो डिज़ाइंस आप देख रहे हैं, इनिशियली आई हैड प्लान कि मैं इनको हाफ ऑफ हेक्सागन्स में बनाऊँगा. बट इन सच वे इट विल इफेक्ट इन मेजरमेंट्स. सो नाउ आई हैव डिसाइडेड टू मेक कम्प्लीट हेक्सागन्स. जैसे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बना के लगा दिया है. और ऐसे करके मैं ये टॉप सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लूँगा. जैसे टॉप सेक्शन के सारे हेक्सागन कनेक्ट हो जाएंगे देन आई विल कंप्लीट द इंटरनल पार्ट ऑफ द टॉप सेक्शन. आफ्टर आई कंप्लीट द एंटायर टॉप सेक्शन आई विल मूव अहेड एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द लोअर सेक्शन. फिर मैं चालू करूँगा लोअर हाफ बनाना. इन दिस टू मैं यही करने वाला हूँ जो सेंटर वाला है उनके साथ. देन मूविंग ऑन टू साइड दिस 1, 2, 3 and 4 एंड अदर साइड 4 इनको मैं हाफ हाफ बना के फिर ऐड करूँगा. सो वी आर ऑलरेडी विथ आर टॉप सेक्शन. दिस इज द फाइनल पार्ट आई एम एडिंग. ये मेरा सेकेंड पैटर्न है और तीनों पैटर्न में से ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है. वॉट वी नीड हियर इज 9 स्टिक्स. सभी 9 स्टिक्स मैंने सेम साइज की कट कर रखी है. आफ्टर सैंडिंग ऑल 9 स्टिक्स पहले हर ट्रायंगल के बीच में मुझे एक छोटा हेक्सागन बनाना है. एज यू कैन सी. और उसके बाद ट्रायंगल के तीनों कोनों से एक एक स्टिक्स को हेक्सागन को कनेक्ट कर देना है. Here is my top section completely ready. तो एज पर द डिज़ाइन एंड एज आई सेड अर्लियर मैंने लोअर हाफ के सभी हेक्सागन्स बना के उनको डिज़ाइन के हिसाब से कनेक्ट कर लिया है. और ये अपना थर्ड एंड फाइनल क्यूमिको पैटर्न है जो मैं यहाँ बनाने वाला हूँ. दिस इज़ ऑल्सो नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड. बस 3 सेम साइज की स्टिक्स कट करके उनको ट्रायंगल के हर एक कोनों से कनेक्ट करना है. तो पहले जितना हमारा काम कंप्लीट हुआ है मैं उतना लेके आता हूँ. हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है. ऑन दिस पार्ट देयर आर फ्यू डिजाइंस लेफ्ट. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक अ फ्रेम ऑन द आउटर साइड. इसको एक थिक सॉलिड वुड का बॉर्डर बनाने वाला हूँ जिससे इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए, इसको मूव करने में थोड़ी आसानी हो. सो फॉर दैट आई हैव परचेस दिस वुडन स्ट्रिप्स. एज यू कैन सी
This is approximately half inch thicker and 2 inch wider. इसी तरह वुड का फ्रेम बनाऊंगा ऑन आउटर साइड सो दैट अपना जो क्यूमिको आर्ट है उसको स्ट्रेंथ भी मिलेगा और ये जो फ्रेम है वो अपने आर्ट वर्क को और ज़्यादा हाईलाइट भी करेगा. एज यू कैन सी मैंने मार्किंग कर लिया है सभी स्ट्रिप्स पे एंड नाउ आई एम गोइंग टू कट देम. देखो मैंने फेविकॉल से पेस्ट कर दिया है और जस्ट एक सिंगल स्टेपलर मारा है सब चारों कोनों पे ताकि ये पकड़ के रहे. आई वॉज वेरी टेंस अबाउट दिस प्रोसेस स्पेशली फ्रेम बनाने का जो प्रोसेस था. ये मेरा बिगेस्ट स्केल है फॉर द प्रोजेक्ट. इफ़ आई काउंट फ्रॉम 1 to 10 दिस इज़ द 10. इसके पहले कभी भी मैंने इंडिविजुअली या ग्रुप में कोई भी ऐसे बड़े वुड वर्किंग पे काम नहीं किया है. सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स. सो फाइनली हमारा जो रेट है कम्प्लीट हो चुका है, हमारा जो आर्टवर्क है कम्प्लीट हो चुका है एंड आई विश कि आपको मेरा काम पसंद आया. सो बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत टीडियस प्रोसेस है. ओवरऑल आई थिंक 1000 के ऊपर पीसेस है जो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किए. और मेन जो डिफिकल्टी है इसमें वो है कटिंग और सैंडिंग. अगर आपका मेजरमेंट सही होगा तो आपको सैंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फिर भी जो पॉइंट्स हैं उनको परफेक्टली मैच करने के लिए आपको सैंडिंग करना ज़रूरी है. सो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट PhD कर लिए एस्थेटिक्स में. सो आई कैन डू एनीथिंग विद एस्थेटिक्स. सो अगर आपको मेरा काम पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए. अगर आपको कोई भी डाउट है, सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाते रहूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और मिलते हैं और नए वीडियो के साथ. तब तक एंजॉय एंड सी यू सून.